ये खबर आई है, लेकिन इस पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो थोड़ी अंडरवेट की राय है और लक्ष्य भी अब 7 रुपए का दिया है। ये रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। कुछ देर पहले जिन्हें बता रहे थे वोडा आइडिया पर जेफरीज की, सॉरी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जिसमें कि वो अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य अभी भी 7 रुपए का वो यहाँ पर बरकरार रखे हुए हैं। अविनाश जी, वोडाफोन आइडिया कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी सारे मिक्सड व्यूज़ यहाँ पर रिपोर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें और जो खबरें आ रही हैं कंपनी को लेकर वो तो अच्छी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का जो व्यू है वो काफ़ी मिला जुला देखने को मिल रहा है। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है वोडाफोन आइडिया को लेकर, किस तरह की चाल आगे दिख सकती है? पूजा, मुझे लग रहा है कि देखो, ये जो प्रेफरेंशियल कंपनी ने अनाउंस किया है 2468 या 2470 करोड़ का, ये इतना भी बड़ा नहीं है। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़े कि ये पैसा कहाँ पे यूज होगा, तो इन्होंने कहा है कि कर्जा कम करने के लिए। अभी वोडाफोन इज सिटिंग ऑन अ डेट ऑफ ऑलमोस्ट 50,000 करोड़, और ये अमाउंट जो वो रेस करेंगे बहुत ही मामूली है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट का भी व्यू बन रहा है कि इतने छोटे अमाउंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरी बात, कंपनी अभी भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव दिखा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर नेट लेवल की बात करें तो एवरेज 5-6 हज़ार का घाटा हर क्वार्टर में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी है कि इक्विटी डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि इन द नियर टर्म ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। ये प्रेफरेंशियल से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी रीरेटिंग शॉर्ट टर्म में आएगी। मार्केट इंतजार कर रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी। एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉफिट अगर ये दिखाए तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को कंफर्ट और कन्विक्शन ज्यादा आएगा। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़े फंड्स या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें खरीदारी करेंगे। जो एफपीओ हुआ था उसके बाद एक छलांग जरूर लगी, बट उसके बाद उसको सस्टेन करने के लिए कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो हमारी तरफ से मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए, बट जिनके पास है वो होल्ड करे।